हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2019 का फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे और लाइव आप देखिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे भरा जाता है, क्योंकि ये एक डमी हम भर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा अगर आप सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे अभी नए हैं यानी हिंदी क्लब पे अभी आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित मटेरियल वीडियोज़ दिए जाते हैं, जिसके देखने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, यानी इसके साथ आपका मेहनत भी जुड़ा होता है, तो आपको हिंदी क्लब की तरफ से प्राइज़ भी दिया जाएगा। और इस बार हम लोग कम से कम टॉप 3 अभ्यर्थी या स्टूडेंट को प्राइज देंगे। तो आप फॉर्म भी भरिए, तैयारी भी कीजिए, साथ में प्राइज भी जीतिए। पिछली बार 2018 में मात्र हम एक स्टूडेंट को दे पाए थे प्राइज, लेकिन इस बार कम से कम 3 स्टूडेंट को जरूर देंगे। तो तैयारी अच्छी कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर रहेंगी। सबसे पहले आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। हमें भरना है सीटेट 2019 का फॉर्म। तो आप कोई भी पहले ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला है। आप इसी तरह का कोई भी ब्राउज़र आप मोबाइल में खोल सकते हैं या किसी और जो टैबलेट है उसमें खोल सकते हैं या लैपटॉप है उसमें खोल सकते हैं या डेस्कटॉप में भी खोल सकते हैं। मैंने सिंपली एक लैपटॉप में ये क्रोम ब्राउज़र खोल के रखा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जैसे लिख के आता है वो चीज़ है। यहाँ पे या तो आप ctt.nic.in ये एड्रेस बार कहा जाता है इसको, को यहाँ पे डाल के आप ओपन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ सिंपली कुछ नहीं आता आपको, तो यहाँ लिखिए cTET और इंटर दबा दीजिए, तो ये आपका वेबसाइट आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्लिक करना है cTET.nic.in। देख लीजिए यही ऑफिशियल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है cTET.nic.in। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते हैं ये ऐसा विंडो आपके सामने खुल के आएगा। यही ऑफिशियल आपका वेबसाइट है यानी साइट है, और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ हम आ गए, यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा, फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीटेट जुलाई 2019। यहाँ न्यू देखिए सिंबल भी चल रहा है, ऊपर से मैंने स्क्रॉल करके नीचे लेके आया हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक किया मैंने, उसके बाद ये विंडो खुल रहा है आपके सामने, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करना है। आप सोचेंगे पूछेंगे ये क्या है, को कुछ नहीं है, ये सेलेक्ट और सीटेट जुलाई 2019 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट कभी कभी आ जाता है, वैसे तो आया नहीं है मेरे पास कभी भी, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको सिंपली सीटेट जुलाई 2019 क्लिक करना होगा। देखिए सीटेट जुलाई 2019 है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। और ये प्रोसेस आगे का है, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं यानी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरना है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पेमेंट के बारे में मैं बता दूँ, यहाँ पेपर 1 और 2 के लिए पेपर 1 या पेपर 2 भरना चाहते हैं उनका 700 है, और ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 50% डिस्काउंट एक तरह से कह सकते हैं, 350 रुपये हैं। दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1200 रुपये हैं, और इन लोगों का है आपका 600 रुपये है। चलिए हम फॉर्म भरते हैं। फोटो वगैरह के बारे में यहाँ दिया गया है, सारा लाइव हम देखेंगे आज। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, इन्होंने लिखा है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, मतलब मैं समझ गया हूँ टोटल जो भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है वो चीज़, और मैंने कहाँ पे पढ़ा वो चीज़ को डाउनलोड करके पढ़ा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। अब यहाँ पे टिक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आता है आपके सामने भरने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ हमें भरना है। चलिए हम भरते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे, मान लीजिए मुझे अगर भरना हो तो मैं यहाँ डालूँगा, मैं कैप्चा कर देता हूँ, सॉरी कैपिटल लॉक कर देता हूँ, कैप्स लॉक राज सिन्हा, और मदर नेम में कुछ भी मैं डाल देता हूँ, सपोज रानी देवी, फादर नेम में सपोज कुछ भी डाल देता हूँ, राजू
सिन्हा ही डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जनवरी, और डेट ऑफ बर्थ मैं 94 डाल देता हूँ। अब यहाँ आइडेंटिटी टाइप देखना है। देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ नहीं है, जैसे पासपोर्ट है यहाँ, वोटर आईडी है, इसी में से कोई आपको एक डालना होगा। तो मान लीजिए मुझे वोटर आईडी डालना है, तो मैं वोटर आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। वोटर आईडी में IBB IBB 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जेंडर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, वोटर आईडी देना चाहें या पासपोर्ट देना चाहें या राशन कार्ड है वो देना चाहें, चाहे अदर जो भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है वो दे सकते हैं या बैंक अकाउंट दे सकते हैं। इन्होंने आधार कार्ड को भी नहीं डाला है, और आप वोटर आईडी ही दे पाएंगे, और कुछ इन्होंने पैन कार्ड को भी नहीं डाला है, तो अब वोटर आईडी ही डाल दीजिएगा, जैसे मैंने डाला वो चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमें फिल करना है एड्रेस, तो एड्रेस आप देख लीजिएगा क्या आपका एड्रेस है, उस हिसाब से भर दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ आपका सिटी टाउन विलेज होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और ये है आपका ईमेल एड्रेस जो वैलिड होना चाहिए, और यहाँ पे आपका लोकेलिटी है जो भी आपका लोकेलिटी है वो, फिर ये स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर पिन कोड, ये मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर है, ऑप्शनल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसको भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं। चलिए हम भरते हैं। तो एड्रेस में मैं ऐसे ही एड्रेस दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ राजा पुल यहाँ मैं डालता हूँ, बोरिंग रोड, यहाँ डालता हूँ मैं पटना, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ बिहार, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में आपका भोजपुर, पटना, ये रहा पटना। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कैसे किया, तो कीबोर्ड से मैंने पी दबा दिया था इसलिए वो आ गया, PAT लिखता है तो डायरेक्ट आ जाता वो। और यहाँ मैं पिन कोड डालता हूँ, ये 6 डिजिट का पिन कोड होता है आपका, ये जानते ही होंगे। ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड डालने के लिए ये पेरेंट्स का भी हो सकता है, आपका अपना होना चाहिए जरूर, ये याद रखिएगा, आप अपना जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HINDICLUB फॉर यू @GMAIL.COM। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास प्रश्न ये उठेगा कि सर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कि जी हाँ, आप स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं कैपिटल ही चला रहा हूँ इसलिए कैपिटल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, मैं एक नंबर डाल देता हूँ 7 3 6 00 3 4 3 4 3 3 0। मैं सारा चीज़ लाइव ही आज आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम आगे, ये हट गया, यहाँ मेरा है नहीं, ऑप्शनल है, इसको नहीं भी दे सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है, पासवर्ड देख लीजिए इस तरह का होना चाहिए। तो मान लीजिए मुझे पासवर्ड बनाना है, तो मैं पासवर्ड बना रहा हूँ राज सिन्हा एट द रेट। देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो आपका नंबर होना चाहिए 8 से मस्ट भी 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट एक अपर केस होना चाहिए अल्फाबेट में, और एक पासवर्ड मस्ट भी लोअर केस में होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ आपको देने हैं, याद रखिएगा आपका 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस में यानी अल्फाबेट में जो होता है ना उसमें अपर केस में होगा, यानी जैसे में ABCD होता है ना, जैसे ये हो गया अपर केस, लोअर केस में हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ लोअर केस में, तो लोअर केस ये हो गया, छोटा ABCD आता है ना ये वाला,
ये हो जाएगा गया लोअर केस आपका, और यहाँ पे लोअर केस हो गया। पासवर्ड मस्ट वन नंबर होना चाहिए, एक कोई भी अंक, जैसे 1 2 3 4 में से कोई अंक, और ये पासवर्ड हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, जैसे इस तरह का एट द रेट वगैरह स्पेशल कैरेक्टर आता है, इसमें से कोई एक। तो चलिए इसको मैं डालता हूँ। ठीक है, मैंने क्या डाला वो मैं बता देता हूँ। मैंने डाला था कैपिटल में आर ए जे एस आई एन एच ए राज सिन्हा एट द रेट 2। ठीक है, दोनों ये सेम है इसीलिए ले लिया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ भी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, तो मैं डाल देता हूँ राज, आर ए जे। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ मुझे डालना है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 2B7502। ठीक है, इसके बाद मैं इसको करूँगा सबमिट, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आगे मुझे परेशानी नहीं हो, डायरेक्ट ये लॉगिन कर ले। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इन्होंने प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड यू लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे ऑल्सो बाई प्रेसिंग, इस पे प्रेस करके आप एडिट कर सकते हैं, इस पे प्रेस करके आप सबमिट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरा है ये सामने खुल के आ गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखा हुआ है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एडिट पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिट फॉर्म पे फाइनल पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि क्या क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपका सही है कि नहीं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपना नेम चेक कर लें कि वो सही है या नहीं सही है, तो ठीक है। इसके बाद फादर नेम चेंज कर लें, वो सही है या नहीं सही है, उसके बाद इसको टिक करें। फिर मदर नेम चेंज चेक कर लें, सही है या नहीं सही है। फिर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, सही है या नहीं सही है। फिर जेंडर चेक कर लें, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो सही है या नहीं। फिर एड्रेस चेक कर लें, वो सही है या नहीं सही है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर चेक कर लें, फिर ईमेल एड्रेस चेक कर लें। ये सारा चीज़ अगर सही है तो चेक करके एक एक पे टिक करते जाइएगा। जैसे एड्रेस पे टिक करना है तो मैं डायरेक्ट जाके एड्रेस देखूंगा कि यार ये एड्रेस मेरा सही है, हाँ सही है, ये नेम सही है कि नहीं, ये सारा चीज़ सही है कि नहीं। मैं डेट ऑफ बर्थ एक बार याद कर लेता हूँ, 1/1/1994 था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद देख रहे हैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आप ये होता है ना कि इसमें किसी में गलती है, तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते फिर एडिट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे फिर पहले गए थे ना जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे उसी फॉर्म में आप चले जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है ना, फाइनल ये सारा चीज़ सही है कि सबको मैंने टिक कर दिया, फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे यस का बटन आएगा, इससे मैं यस पे क्लिक करूंगा और ये फाइनल सबमिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड कर लिया है। ये एप्लीकेशन नंबर है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट चल रही है, और ये मेरा मिल गया क्या एप्लीकेशन नंबर। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं कीबोर्ड से, नहीं तो लिखना है तो आप लिख लीजिए, मतलब आप अपना भरिएगा तो लिखिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये डमी एक तरह से मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ भी गलती नहीं करें और आराम से अपना फॉर्म खुद से भरें, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, अप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, इमेज अपलोड इनकम्प्लीट है, अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो ये सारा चीज़ हमें करना होगा। और यहाँ पे दो और ऑप्शन आया है आपके, वेरीफाई और मोबाइल नंबर, वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, तो ये दोनों आप वेरीफाई यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अगर कंप्लीट वेरी अप्लीकेशन फॉर्म तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। कोई ये करना चाहे तो वही ओटीपी वगैरह होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करें। लेकिन देख लीजिए 3 ऑप्शन है, 1 2 3, तीनों ये कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं कंप्लीट करूँ, और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने भरा था वो चीज़ आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ, जी हाँ ये तो चेंज ले रहा है, लेकिन नहीं लेना चाहिए था इन्हें, इन्होंने चेंज के लिए ऑप्शन दे दिया है कि वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते थे, पहले था कि नहीं कर सकते। यहाँ जो भी हैं आप, SC हैं, ST हैं, OBC हैं,
वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी एमसीएल को सेलेक्ट करेंगे अगर ओबीसी होंगे तो, एसटी होंगे तो एसटी को सेलेक्ट करेंगे, एससी होंगे तो एसटी को, एससी को सेलेक्ट करेंगे, फिर जनरल होंगे जनरल को सेलेक्ट करेंगे। मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड हैं तो इसमें सेलेक्ट करना होगा, इसमें यस या नो दिया गया है। अगर यस करेंगे आप, यस में करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा किस तरह के डिसेबिलिटी हैं, ऑर्थो हैं या डेफ या डम हैं या ब्लाइंड हैं, ये इसमें से कोई भी आपका करना होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट भाई कुछ अदर कैटेगरी डिफाइन किया है तो वो चीज़ है, तो जो भी आपके पास है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ करूँगा नो, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ नो। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ कि इंडियन सेलेक्ट करूँगा। नेशनलिटी पूछा हुआ, लैंग्वेज वन क्या है, कि लैंग्वेज वन में मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ, हिंदी भरूँगा। लैंग्वेज टू में आप कुछ भी ले सकते हैं, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, जो भी जहाँ के आप रहने वाले वो ले सकते हैं। मैं इसमें संस्कृत खोज रहा हूँ, संस्कृत शायद मिले, बस यही है आपके सामने। संस्कृत नहीं को आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो बोलना आना चाहिए, देख के पढ़ना आना चाहिए, ये जरूरी है दोनों चीज़। तो ये संस्कृत मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो मर्जी वो सेलेक्ट कीजिएगा, प्रीवियस ईयर जरूर बना के देख लीजिएगा, साथ में 2018 में जो प्रश्न पूछे गए ना उसे जरूर बना के देखिएगा, अगर दोनों में जो आपको उचित लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट लैंग्वेज में भी आप संस्कृत रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, जो आपको मन हो वो रख सकते हैं। इसके बाद ये पूछा जा रहा कि आप कहीं एज ए टीचर काम कर रहे हैं या टीचर के अलावा कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप जॉब में हैं या नहीं है, तो मैं यहाँ नॉट एम्प्लॉयड कर दूंगा कि मैं जॉब में नहीं हूँ। अप्लाइंग फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पेपर वन के लिए हो जाएगा जो 1 to 5 शिक्षक बनना चाहते हैं, ये पेपर टू के लिए हो जाएगा जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, ये बोथ के लिए है। मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप बोथ भरें। अब बोथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूछेंगे कि सर बोथ के लिए क्या है, देखिए अगर आप BTC किए हो या DED किए हो, और देखिए DLED पे अभी मैंने मेल किया है तो उधर से जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक DLED पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अगर वो लोग रिप्लाई करते हैं। और इसके अलावा मैंने RTI भी किया है कि वो लोग कुछ मिल जाए मुझे, कुछ भी न्यूज़ मिलता है को जरूर अपडेट करूँगा। लेकिन जो भरना चाहें भर सकते हैं, मैं तो क्यों क्यों भर सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी संस्था अगर जॉब देती है तो सारे चीज़ें को जांचता है, लेकिन ये जो सीटेट है वो जॉब नहीं देता है, ये एक तरह से एग्ज़ाम ले रहा है आपसे, तो एग्ज़ाम ले रहा है तो एग्ज़ाम देते समय आपसे मतलब कुछ लिया थोड़ी ही जाएगा, जब जॉब देगा, जॉब देने के बाद पैसा देने की जब बात आती है ना तो सारा चीज़ जांच के तब पैसा मिलता है, तो ये जॉब तो दे नहीं रहे, बस ऐसे मतलब एग्ज़ाम ले रहे, तो यहाँ पे भरने के लिए तो उतना कड़ा नियम है भी नहीं, कुछ जांचा भी नहीं जाएगा, जाके एग्ज़ाम दे के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि पेपर, दोनों पेपर आप सेलेक्ट करें। अब दोनों पेपर सेलेक्ट करने की बात आ रही है तो यहाँ पे पूछेंगे कि सर पेपर वन कौन सेलेक्ट कर पाएगा, पेपर टू कौन सेलेक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पेपर वन वो सेलेक्ट करेंगे जो BED किए हुए हैं, साथ में BTC, साथ में नहीं मतलब जो BED किए हुए हैं या BTC किए हुए हैं या आपका DED किए हुए हैं या किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो किए हुए हैं वो पेपर वन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर टू कौन सेलेक्ट करेंगे, तो पेपर टू BED, DED या BTC, और DED और BTC में ये कंडीशन होगा कि उनको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होगा, तब वो पेपर टू सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। अब BED की बारी आती है, तो BED में मैं बता दूं कि BED वाले पेपर वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर टू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो BED आपने किया है तो 1 ईयर का किए हो या 2 ईयर का किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं जरूर कहूंगा कि आप दोनों पेपर जरूर दें। और इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एडुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पेपर क्लास 1 to 5, 1 to 5 के लिए जो भी है उसे कैसे क्या क्या सेलेक्ट करना है, चलिए यहाँ सेलेक्ट करके हम देखते हैं। देखिए अगर आपने ये किया 50% मार्क्स के साथ, अगर फाइनल फाइनल ईयर में हो, अपेयरिंग में या पास आउट हो, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, DED वगैरह किए हो तो ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, ये अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ये BE LED किए हैं, तो ये हो जाएगा
अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसे सिलेक्ट करेंगे सबसे बड़ा वाला, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ गए हैं आप, यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, 5। आपने इस पर क्लिक किया तो ये खुला, फिर यहाँ पे आपको पढ़ के 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करके हटा देता हूँ, फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर इसे मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन एंड पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग में ही भी हैं या पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अपेयरिंग में फाइनल ईयर में होना होगा, अगर आप डीएड किए हैं और ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं तो भी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं तो 50% मार्क्स के साथ है, 1 ईयर बीएड है आपका, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ मैं करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट, हो गया। चलिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट कौन सा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 के लिए सभी के लिए बराबर होते हैं, पेपर 2 के लिए आपको सोशल साइंस और मैथमेटिक्स होते हैं, तो जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मुझे मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस मेरे ग्रेजुएशन में था तो मैं इसी सेलेक्ट करूँगा। अगर आप आर्ट सेक्शन से हैं या कॉमर्स सेक्शन से हैं तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, साइंस या मैथ है मुझे मेरा ग्रेजुएशन में, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करूँगा। चलिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन। डिप्लोमा कब होता है कि जब 12th पास आउट हो जाते हैं उसके बाद आपका डिप्लोमा होता है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे डिप्लोमा 12th के बाद जो आपने किया है, डीएड वगैरह कुछ किया है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर डिग्री आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपका डिग्री है, जैसे मैं बीएड ही आपका एक तरह से डिग्री है, तो यहाँ पे मैं डिग्री इन एजुकेशन पे क्लिक करूँगा। अगर आपने दोनों किया है, दोनों तरीके से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो दोनों यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, दोनों आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन किया है, यानी बीएड मैंने किया है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आते हैं, देखिए ये हट गया एक तो नीचे में डिग्री आ गया। अब वो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फर्स्ट चॉइस क्या है आपका, तो मैं बिहार में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, जहाँ देखना है मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मुजफ्फरपुर में देख लेता हूँ। ये हो गया मुजफ्फरपुर, MU मैंने टाइप किया, मुजफ्फरपुर आ गया। अब मैं पटना सेलेक्ट करता हूँ, PAT सेलेक्ट करूँगा तो पटना आ जाएगा। और थर्ड में मैं यूपी चलता हूँ, गोरखपुर में, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया था, ये आ गया GO गोरखपुर, ठीक है, ये सेलेक्ट मैंने कर लिया। तो तीन आपको चॉइस देना है एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए मुझे जहाँ तक पता है ये फर्स्ट या सेकंड पे दे ही देते हैं, मुझे जहाँ तक विश्वास है फर्स्ट ही चॉइस जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहीं पे एग्जाम आपका हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम किसमें चाहिए, वैसे देखा जाए तो बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। या तो आपका इंग्लिश होगा, नहीं तो आपको हिंदी आती है तो हिंदी ले सकते हैं, मुझे हिंदी पसंद है। वैसे भी हम लोग का चैनल का नाम हिंदी क्लब इसीलिए मैंने रखा था, क्योंकि सारा चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें हिंदी में मिलता रहे। और यहाँ आ गए हम लोग, इसे सेलेक्ट करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट में आपको ये जो आप डिग्री कर रहे हैं वो पास हो गए हैं या फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, तो मैं पास हो चुका हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। कोर्स या स्ट्रीम नेम जो भी नाम है उसका, तो यहाँ दिया है एडुकेशन, एक ही आ ही रहा है इसमें, एडुकेशन या एलिमेंट्री एडुकेशन ETC, जो भी ETC दे दिया है तो यहाँ पे वही सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही है ही ऑप्शन, तो उसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे परेशानी आपके पास आ गई है, मे भी थोड़ा टाइम ले रहा है, अब आ गया।
वहाँ पे सीबीएसई का सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे उसे रिफ्रेश करना पड़ा, फिर वहाँ पे वो कट गया। तो रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया गया था, लेकिन फिर से मुझे वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का बाद वाला फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद वो कट गया था। तो चलिए मैं करता हूँ दोबारा, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक बार लॉग इन करके ट्राई किया था, उसके बाद मैंने काटा था, क्योंकि एक और परेशानी आपको दिखानी थी, क्योंकि अगर आप साइबर कैफे वाले होंगे तो इस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इनवैलिड सेशन आ जाएगा, डुप्लीकेट सेशन है, क्योंकि मैंने एक बार लॉगिन करके उसे मतलब काट दिया था। तो इस तरह की परेशानी आती है, तो ये भी परेशानी का हल जान लीजिए। आपको करना होगा सिंपली, अगर क्रोम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखना है, नहीं तो हिस्ट्री डिलीट करना होगा। लेकिन हिस्ट्री डिलीट करने के बावजूद ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा कीबोर्ड से, ये मेरा खुल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cett.nic.in, और फिर यहाँ पे मैं खुलते ही नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद यहाँ क्लिक करूंगा मैं cett जुलाई 2019 पे, और यहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालूंगा, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड इसके साथ मैंने सेव कर दिया था, और यहाँ मैं डालूंगा वो चीज जो नीचे में ये लिखा हुआ गया है, कैपिटल में के है और 421 है, और ये मैं करूंगा साइन इन, ये हो गया साइन इन। और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं करूंगा। वेरीफाई के साथ ही मैं बता दूं कि पहले इसमें कैप्चा डालना होता है, फिर आपको एप्लीकेशन सॉरी कैप्चा डालने के बाद फिर मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो थोड़ी देर वेट करने के बाद जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं तेजी से हम लोग, जहाँ तक मैं भर लिया था वहाँ तक तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करते जाता हूँ। ये सारा चीज मुझे बताना नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ। मुझे करना है संस्कृत, ये मैं कर देता हूँ नो, और इसके आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ बोथ, आपको भी मैं कहूँगा बोथ ही कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लग रहा मुझे, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी हो जा रहा है, ये हो गया बोथ का काम। और यहाँ पे 1 to 5 के लिए मैंने सेलेक्ट किया था 5 नंबर, मैं करता हूँ 5 नंबर, ये मैं समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं बैक करके वीडियो। और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया था 2, यहाँ सेलेक्ट मैंने किया था ये है मैथमेटिक्स एंड साइंस, और ये मैं सेकंड वाला सेलेक्ट मैंने किया था। और मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ मैंने डाला था क्या, पटना, मैंने उस समय दूसरा डाला था, लेकिन मैं डाल देता हूँ वही पटना मुजफ्फरपुर। और यहाँ मैं डालता हूँ, आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, गोरखपुर। और यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ हिंदी, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं बताना था कि ये अपेयरिंग होंगे, यानी फाइनल ईयर में होंगे तो अपेयरिंग, नहीं तो मैं पास हूँ तो पास सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे यही एक ऑप्शन है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है तो उसे सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कीजिएगा। अदर के लिए डायरेक्ट आप सबसे नीचे चले जाइए, नहीं को OTHER लिखिएगा तो भी आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ अदर। और अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नाम लिखने के लिए बोला जाएगा, और यहाँ पे फिर से इन्होंने ये खंबा छोड़ दिया, इसे देख लीजिएगा, ये सेलेक्ट होना चाहिए। अदर में मैं लिख देता हूँ DDU, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो डाल दीजिए। गोरख पुर, ये पासिंग ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मान लीजिए 15 है, ये रिजल्ट परसेंटेज में सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आ गई, ये तीनों चीज़ भरना है आपको। ऑप्टेन मार्क्स मान लीजिए आया है मुझे, ऑप्टेन मार्क्स यानी मैंने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, कब मान लीजिए मैंने प्राप्त किया है 750, टोटल मार्क्स कितना था, कोई 1000 था, तो ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, ये चीज़ उन्होंने अच्छा किया। ये पिन कोड मैं डाल देता हूँ, पिन कोड गोरखपुर का तो मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे एक और सुविधा मैं बता देता हूँ, किसी का भी पिन कोड चाहिए ना तो यहाँ पे लिखिए
गोरख पोर डीडीयू पिन कोड। आप एक जगह और सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ, तेजी से मिल जाए शायद। तो यहाँ पे मुझे मिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश दीनदयाल, ये सारा चीज़ मिला। तो ये मुझे पिन कोड मिला और इसे मैं डाल दूंगा। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंडिया पोस्ट जो आता है वहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने पिन कोड, और ये जो है यहाँ मैं डालूंगा डी, ये हो गया DU 144444, और इसे मैं करूंगा क्या सबमिट। देख लीजिएगा सारा चीज, दोबारा जांच लीजिएगा और यहाँ कीजिएगा सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको अगर कुछ गलती कीजिएगा ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनवैलिड डाल दिया है। यहाँ पे मुझे डालना था 9, क्योंकि ये 6 डिजिट का होता है, मैंने स्पेस डाल दिया था। अब ये ले लेंगे आराम से। देखिए इनवैलिड डाला गया था, वहाँ रेड करके लिख के चला आएगा, ऊपर में मैसेज नहीं दे रहा, जहाँ गलत होगा वहीं पे मैसेज देगा, तो उसे जांच लीजिएगा। अब ये देखिए ले लेगा 46 PO PO, कैपिटल लेटर में चाहिए PO 96, ये हमेशा कैपिटल लेटर ही आ रहा है। एक चीज़ और आपको मिल जाएगा, और ये होंगे आपके रीड करने के लिए, दोबारा दे दिया, इसे मैं करूंगा क्लोज, और सारा चीज मैं दोबारा जांच लूंगा, ये सारा चीज सही है कि नहीं। दोबारा जांचने के बाद एक एक चीज मैं जांचता जाऊंगा, और यहां मैं करता जाऊंगा टिक। ये सारा चीज मैं डमी बना रहा हूँ, इसलिए ये सारा चीज मैं टिक कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, देखने के बाद इसे आप सबको टिक कर दीजिएगा। ये सारा चीज आप देख लीजिएगा, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और जो डिसेबिलिटी है वो, एग्जामिनेशन सिटीज जो आपने दिया वो, एडुकेशन डिटेल्स है वो, ये सारा चीज़ अगर सही है तो यहाँ कीजिए आई एग्री, फिर कीजिए फाइनल सबमिट पे क्लिक, फिर कीजिए यहाँ पे यस पे क्लिक। अब ये देखिए कंप्लीट कंप्लीट, दो चीज कंप्लीट हो गया। यू हैव यहाँ लिखा, यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 2 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ चलेंगे इमेज अपलोड पे, तो यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड इमेज पे क्लिक करना चाहे तो अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। इफ यू वांट टू एडिट ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक एडिट बटन, अदरवाइज प्रोसेस द अपलोडिंग स्कैन इमेज ऑफ क्लिकिंग अपलोड इमेज बटन ऑफ कंप्लीट स्टेप 3। आफ्टर अपलोडिंग ऑफ इमेज यू विल नॉट बी एबल टू एडिट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाटा, यानी इसको एडिट नहीं कर सकते हैं अगर आप इमेज अपलोड करते हैं। तो चलिए इमेज अपलोड करते हैं हम लोग, ये करते हैं हम इमेज अपलोड। यहाँ चाहिए इनको क्या, इन्हें चाहिए फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये दोनों चीज चाहिए। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएंगे, चलिए हम पेंट पे चलते हैं, एमएस पेंट पे, ये खुला एमएस पेंट। मान लीजिए यही फोटो मुझे डालना है, तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट किया हूँ मैंने, और इसको मैं करता हूँ Ctrl Shift X, ये हो गया फोटो मेरा तैयार। ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था ऐसे, साइज आप देख सकते हैं कितना साइज चाहिए, मैं तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा कैसा है, ये साइज है आपका, जितना भी चाहिए यहाँ लिख के कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करके देखता हूँ ये लेते हैं कि नहीं, ये मैं करता हूँ। और यहाँ पे मैं डालूँ किस में, पिक्चर्स में डाल देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स में ये फोटो, सपोज ये फोटो हो गया। अब सिग्नेचर में छोटा सा मैं करता हूँ, यहाँ ये रहा सिग्नेचर, चाहे 1 सेकंड में Ctrl Z करके किसी, ये मैं सिग्नेचर के रूप में यूज कर लेता हूँ, ये मैं, ये रहा सिग्नेचर Ctrl Shift X, और इसे मैं क्या करता हूँ एज अ सिग्नेचर यूज करता हूँ F12, यहाँ मैं लिखता हूँ SIGN। ये आप फोटो खिंचवा के अच्छे से लगाइएगा, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग ये सब मत डालिएगा, आप लोग सही से डालिएगा। ये मैं करता हूँ चूज फाइल फोटोग्राफ्स, चूज फाइल करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने थंबनेल बना के रखा है, ये मैं पिक्चर्स में जाऊँगा, और यहाँ से मान लीजिए ये फोटो है, तो ये मैं फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा, ये आपका फोटो होना चाहिए, याद रखिएगा ये आपका फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिएगा 100 KB से कम होना चाहिए, मैंने छोटा काट के ही रखा गया। और यहाँ पे मैं करूँगा सिग्नेचर अपलोड, ये हो गया सिग्नेचर, देखा आपने, ये आपका फोटो होता है कितना अच्छा लगता है, ये आपका इमेज हो गया, दोनों मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है वो मैं यहाँ करता हूँ 46,
B6 8 1, यहाँ मैं करूँगा सेलेक्ट, ये करूँगा अपलोड पे क्लिक, यस। ये देखिए ऑल सेलेक्टेड इमेज अपलोड सक्सेसफुली, ये करेंगे हम ओके। ये देखिए तीन स्टेप हमने पूरा कर लिया, अब चलते हैं अगले स्टेप पे, और ये है आपका पेमेंट का, आपको 1200 रुपये इनको रिक्वायर्ड है, ये हमें भरना होगा। और पेमेंट फी, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। पेमेंट ऑफ फी करेंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, कि वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पेमेंट पे चलते हैं। पेमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस हम देख लें। देखिए ये पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या यूजिंग रियल टाइम ई चालान, ई चालान के द्वारा करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन फी कैन बी डिपोजिटेड थ्रू डेबिट क्रेडिट एंड ई चालान, को मुझे करना है ऑनलाइन पेमेंट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद यहाँ करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे पूछा जाएगा, तुरंत इसे करना होता है तो यहाँ पे एनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, हम भी क्लिक करते हैं ओके, यहाँ करते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद से यहाँ पे मुझे डालना होगा इंटर कार्ड नंबर, जो भी मेरा कार्ड नंबर है, जो भी आपके पास एटीएम है वो कार्ड नंबर होगा वो डालना होगा। ये वहाँ पे देखिएगा एक्सपायरी डेट लिखा होगा, ये मंथ और ये ईयर। फिर जब वो बैक में जाइएगा, यहाँ पे देखिए बैक में, यहाँ पे आपका जब बैक में जाइएगा तो यहाँ पे आपका 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ रहता है, तो वो 3 डिजिट का नंबर यहाँ आपको डालना होगा, CVV या CVC उसको कहते हैं, वो नंबर डालना होगा। फिर ये डालना होगा कार्ड होल्डर का नाम, जो भी आपका नाम है जो कार्ड पे वो यहाँ डालना होगा। जैसे मैं मेरे कार्ड पे RJSINHA है तो वो मैं डालूंगा। यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। देखिए ये क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ सुरक्षित आप डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड से आप करना चाहें तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। तो डेबिट कार्ड पे देखिए ये क्लिक हो गया, अब यहाँ पे कार्ड नंबर वही है, सेम वही है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा राज, आप अपना नाम डालिएगा जो भी आपके कार्ड पे है। और उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो एक और विंडो खुलेगा, वहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोसेस के रूप में कि आप मोबाइल नंबर पे OTP चाहते हैं कि या दूसरा फंक्शन यूज करना चाहते हैं। निश्चित ही मोबाइल नंबर पे आप मैच करा लीजिएगा, OTP चाहिए, OTP पे क्लिक कीजिएगा, एक OTP आएगा यानी वन टाइम पासवर्ड, उस पासवर्ड को आप डालिएगा, उसके बाद पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जब आप फाइनल पे जाएंगे तो वहाँ कंफर्मेशन पेज आपको प्रिंट करने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये चीज है पूरा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपना फॉर्म ऑनलाइन सुरक्षित ढंग से भर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें हमने एक प्रश्न ये डाला था कि वहां पे आपको रोल नंबर प्रीवियस ईयर का मांगा जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज इन लोगों का दिखाता हूँ, ये लोग गलती इतना करते हैं ना, कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन लोगों का खोल के दिखा रहा हूँ, 2018 का ही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर डाला है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और यहाँ पे इनका बुलेटिन ये हो गया डाउनलोड। और यहाँ पे अगर मैं, यहाँ सर्च का ऑप्शन नहीं है, मैं सर्च करता हूँ Ctrl+F, ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि इनका 2018 का ये है या नहीं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ स्टेट सिटी अदरवाइज सेंट्रल, यहाँ देखिए सीटेट 2019 इन्होंने डाला है, लेकिन कॉपी पेस्ट किसका है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 विल बी कंडक्टेड, विल बी ये कह सकते हैं कि नहीं, ये तो ये कॉपी पेस्ट ही करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करने में भी पकड़ में आ जाते हैं, टेस्ट 2018 इन्होंने लिख के रखा है, तो ये तो गलती हमेशा होती ही है। और ये चीज उन्होंने डाल दिया था जिसको मैंने देखा था, फॉर्म भर के तो हमने नहीं देखा था, लेकिन जब हमने इसको पढ़ा था जब लास्ट टाइम, जिसमें रोल नंबर डालना था, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो वो चीज़ उसमें भरना नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो, जो भी इंफॉर्मेशन है डाल दीजिए, बाकी सब आप आराम से मतलब कर सकते हैं। रिस्टॉल कोई भी परेशानी होती है फॉर्म भरते समय तो आप लाइव मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें कि यहाँ पर लाइव बताया गया है। तो पेमेंट में थोड़ा सा भी परेशानी हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि पेमेंट आप सुरक्षित ढंग से खुद से कीजिए, किसी को डिटेल्स अपना पेमेंट का नहीं बताना चाहिए, नहीं को बैंक जानते हैं कितना साइबर क्राइम हो रहा है और बैंक मतलब खाता समाप्त हो जा रहा है केवल OTP के कारण। यहाँ पे केवल OTP जाएगा, वहां पे मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, पेमेंट हो जाएगा।
तो सुरक्षित रहें, आराम से पेमेंट करें और आराम से फॉर्म भरें बिना किसी को डिटेल्स दिए हुए। और इसके साथ ही मैं आपसे भी ये भी जरूर कहूँगा कि जो भी ऐप आपको डाउनलोड करना है ना, तो प्ले स्टोर से ही करें, अदर सोर्स से आप ऐप डाउनलोड नहीं करें। और मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि आप अपना फॉर्म सुरक्षित ढंग से आराम से जरूर भर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।